सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल की एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग या कहिए कि एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा कि जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है जब हमारा फ़ोन मान लीजिए ख़राब हो गया या हमारी सिम जब टूट जाती है या सिम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या सिम फेल हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है? वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी हमारे जान पहचान वाले और हमारे जो फैमिली या परिचित लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो नंबर सारे डिलीट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है या सिम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी हमारे सेव होते हैं या तो उन्हें हम अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रखते हैं या फिर उन्हें हम अपनी सिम कार्ड के अंदर सेव करके रखते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे सारे नंबर एक साथ से ही डिलीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गूगल के फीचर के बारे में बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो कभी भी, जी हाँ ज़िंदगी में कभी भी आपके मिस नहीं होंगे और ना ही आपके वो नंबर कभी आपसे दूर होंगे। चाहे आपकी सिम फेल हो जाए, चाहे आपके मोबाइल डैमेज हो जाए, चाहे आप नया मोबाइल ही क्यों ना ले लें, लेकिन आपके सारे नंबर आपके पास रहेंगे ज़िंदगी भर। और वो कैसे रहेंगे पहले मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। देखिए हम जब नंबर सेव करते हैं तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हम डायलर पैड इस तरह से ओपन करते हैं और हम कोई भी अगर नंबर सेव करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मुझे अगर ये नंबर सेव करना है तो मैं अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए, और यहाँ पर ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पे जाकर मैं यहाँ पर नंबर सेव करूँगा। देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, आप भी इसी तरह से नंबर सेव करते होंगे। उसके बाद आप यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते होंगे या दूसरा ऑप्शन जो होता है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर ऊपर कॉन्टैक्ट्स पर जाते हैं और उसके बाद भी हमारे पास वही ऑप्शन आता है क्रिएट कॉन्टैक्ट का। तो जब हम क्रिएट कॉन्टैक्ट पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से हम नंबर सेव करते हैं। तो आप कभी गौर किया होगा कि ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये मेरी सिम है। तो हम ज़्यादातर फ़ोन जितने भी नंबर होते हैं हम अपने सिम के अंदर ही सेव कर लेते हैं या हम उसको अपने डिवाइस के अंदर सेव कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। लेकिन जैसे आप इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे आपके डिवाइस के ऊपर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पहले नंबर पर आपका डिवाइस दिख रहा है जिसमें आप अपने डिवाइस के अंदर अपने फ़ोन के अंदर सारे नंबर सेव कर लेते हैं या फिर अपनी सिम के अंदर अपने नंबर को सेव कर लेते हैं। तो लेकिन जब भी हमारी सिम डैमेज हो जाती है या डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे सारे नंबर जो है हमसे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपनी सिम और अपने डिवाइस के अलावा ये जो आपको नीचे गूगल के जितने भी ये आपको दिख रहे हैं आपका जो अकाउंट है, अगर आप अपने अकाउंट में इस नंबर को सेव करेंगे तो आप ज़िंदगी भर इन नंबरों को कभी भी मिसप्लेस नहीं करेंगे, ना ही कभी ये आपसे खोएंगे दोस्तों। और उसको करने के लिए देखिए कैसे करना है, आपको सिर्फ अपने गूगल आईडी जो भी आपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखा होगा यहाँ पर वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा और आप अपनी किसी भी जो भी गूगल आईडी है उस पर क्लिक कर दीजिए। और गूगल आईडी पे क्लिक करते ही बस यहाँ पर वो आप नाम लिख दीजिए जिस भी नाम को आपको सेव करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो गूगल के अंदर सेव हो जाएगा। और जब भी आपकी चाहे फ़ोन ख़राब हो जाए, चाहे आपकी सिम ख़राब हो जाए, आपका नंबर आपसे कभी दूर नहीं होगा। और जब भी आपको लीजिए कभी वो नंबर चाहिए, अगर आपका फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ भी गई है और आपको वो नंबर चाहिए तो आप किसी भी फ़ोन में वो गूगल की अपनी आईडी डालकर उस नंबर को ले सकते हैं। या आप मान लीजिए दूसरा फ़ोन अगर आपने ले लिया है तो दूसरे फ़ोन में जब भी आप अपनी गूगल की आईडी डालकर लॉगिन करेंगे तो वो नंबर आपके पास वो मिल जाएगा। अब देखिए किस तरह से आप अपने नंबर को देख सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए अपने नंबर को देखने के लिए आपको सिंपली गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है। और गूगल ब्राउज़र को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पे लिखिए गूगल कॉन्टैक्ट्स। देखिए गूगल कॉन्टैक्ट्स आप लिखिए, गूगल कॉन्टैक्ट्स लिखते ही पहले नंबर का जो आपको लिंक नजर आएगा इस नंबर पे आपको यहाँ क्लिक करना है। तो गूगल कॉन्टैक्ट्स पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन के जो भी कॉन्टैक्ट्स जो गूगल में आपने सेव कर रखे होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। मैंने यहाँ पर मुश्किल से एक दो सेव कर रखे होंगे, मुझे याद नहीं कि मैंने अभी कोई सेव किया है। तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा जो भी आपके नंबर
यहाँ पर सेव हो चुके होंगे। देखिए मुझे यहाँ पर ये बताया गया है कि मैंने अभी तक यहाँ पर कोई नंबर सेव नहीं किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप सारे नंबर अपने गूगल के अंदर सेव कर लीजिएगा। ये मेरा दूसरा फ़ोन है जिसमें मेरे थोड़े बहुत ही कॉन्टैक्ट हैं, मैंने ज़्यादा इसमें सेव भी नहीं कर रखे। तो ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने सारे नंबर गूगल के अंदर सेव करिए, ताकि आपका फ़ोन या कभी सिम अगर डैमेज हो भी जाती है तो आपको कभी भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए परेशान ना होना पड़े। और आप गूगल पे जाकर गूगल कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे और किसी भी फ़ोन के अंदर अपनी आईडी चलाएंगे तो आपके सारे नंबर आपके सामने मौजूद हो जाएंगे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ये थी एक वीडियो की किस तरह से आप गूगल को यूज़ करके अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो अगर ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है और आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।